जिस तरह से जग्गू दादा का फिल्मों में आना एक अचंभव सा था, उसी तरह इनकी जिंदगी में पत्नी आयशा का आना भी एक इत्तेफाक था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक दफ़ा जैकी कहीं जाने के लिए बस में चढ़े तो उसमें एक 13 साल की लड़की बैठी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दिल दे बैठे। यहाँ मज़ेदार बात तो ये है कि जब जैकी श्रॉफ की आयशा से पहली मुलाकात हुई, उस समय ये किसी और के साथ रिलेशन में थे। खैर, आयशा अमेरिका पढ़ाई के लिए चली गई। जैकी ने अपनी इस गर्लफ्रेंड को एक पत्र लिखा और जैकी की पत्नी बनने की अनुमति मांगी। इस तरह वक्त के साथ साथ इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा। आखिरकार लंबे समय तक साथ रहने के बाद जैकी श्रॉफ ने आयशा से शादी कर ली। आयशा खुद भी एक मॉडल और अदाकारा रही हैं, लेकिन ज़्यादा सफल ना हो पाने की वजह से वो इंडस्ट्री से हट गईं। हालांकि बाद में जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला। आयशा से जैकी श्रॉफ की एक बेटी कृष्णा और एक बेटा टाइगर श्रॉफ भी है। टाइगर फिल्म हीरोपंती के जरिए बॉलीवुड में ज़बरदस्त एंट्री कर चुके हैं और फिलहाल वर्तमान के सफल अभिनेताओं में गिने जाते हैं।